कुछ नहीं हुआ कि मेरे सामने चीजें हिल रही है, पर एक ऐसी आई जो आउट ऑफ नोवेयर आई और गायब हो गई। वहां पे कुछ तो एक्टिविटीज होती हैं शाम को, होती है भाई भूत की चीजें भी। जब भी मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स का प्ले बटन आया था ना ट्रिगर्ड वाले चैनल पे, तो मैं भांगड़ फोर्ट गया था अनबॉक्स करने के लिए उसको। तो भांगड़ फोर्ट मानी जाती है कि काफ़ी स्केरी जगह है, बट लेट मी टेल यू, मैं दूसरी बार गया था वहाँ पे, और वहाँ पे यार 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है। भूत भी कहते हैं कि भाड़ में जाए इतनी गर्मी में, तो हम भी बाहर नहीं आ रहे, ठीक है। तो सच में वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, नहीं आते, भूत भी मना कर देते हैं बाहर निकलने से। फर्स्ट टाइम तो जब मैं गया था, मैं आई एम प्रिटी श्योर 48 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था। मेरे घर वाले तो लाइक चढ़ाई होती है एक पूरी फोर्ट की ना, काफ़ी अच्छी खासी चढ़ाई है, वो तो वहीं पर ही रुक गए, कह रहे हम तो नहीं आ रहे। बट मुझे ये चुल थी ना कि देखना है भांगड़ क्या है, तो मैं चला गया। तो वो तो फर्स्ट टाइम था। अब सेकंड टाइम ये 10 मिलियन का प्ले बटन अनबॉक्स करने के लिए एक वीडियो बनानी थी, तो वो मैंने ऐसे ही बस एक सीन रिकॉर्ड करना था कि मेरे को भांगड़ फोर्ट में मिल गया वो प्ले बटन। अब ना मैं वहाँ पे इधर उधर कमरों में जाके ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा कैमरा मैन पीछे पीछे भाग रहा है, मैं ये कमरे में देखो ये ऐसा है, ये कमरे में देखो ये ऐसा है। तो उसमें ना वहाँ पे भांगड़ में क्या है, कुछ ऐसे कॉर्नर्स है, ऐसे खोपचे हैं जहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं आती, ठीक है। मतलब पूरा ओपन ही है वो फोर्ट, पूरा टूटा पड़ा है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन कुछ ऐसे खोपचे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है और एकदम लाइट नहीं आती। तो उन खोपचों में तो वैसे ही बंदे को डर लग जाए थोड़ा सा। तो उधर से बाहर निकल के ऐसा ओपन वाले एरिया उसमें ही घूम रहा था मैं, क्योंकि मेरे को भी यार उधर जाने में थोड़ा सा लग रहा था। मैंने कहा क्यों ऐसी चीज़ों से मज़े नहीं लेने चाहिए, जब तक ना दिखे बंदा मानता नहीं है, बट कभी ना कभी किसी के साथ तो कुछ हुआ ही है ना। तो मैं ऐसे ही रहता हूँ कि नहीं मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को नहीं देखने भूत। अब क्या हुआ, एक ओपन टाइप हॉल था, ठीक है। उस हॉल में मैं अभी इस पॉइंट, वहाँ पे बहुत सारे लोग घूम रहे थे पूरे फोर्ट में, उस हॉल में मेरे अलावा और मेरा कैमरामैन, बस हम दोनों के अलावा कोई नहीं था, और ओपन हॉल था, ठीक है। तो मैं वहाँ खड़े होकर बोल रहा था कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, कुछ कुछ बोल रहा हूँ, और ये वीडियो में अभी भी है, देखना अगर कभी टाइम मिले तो। एकदम स्टीप चढ़ाई है, खड़ी एकदम, बाप रे तो बहुत ही ज्यादा चढ़ाई है। उसमें क्या होता है, एकदम से बोलते बोलते मैं वहां पे कोई दिक्कत नहीं चल रही, मतलब कोई कुछ वियर्ड है ही नहीं वहां पे, और वहां मैं खड़ा हुआ हूं और एकदम से स्मेल आने लगती है, फिर स्मेल बढ़ रही है, और मैं बोलते बोलते मैं कह रहा हूं है स्मेल आ रही है, लेकिन जितनी देर में मैं बस ये बोल रहा हूँ ना है स्मेल आ रही है, अब वो स्मेल नहीं रह गई, अब वो कुछ और ही बन चुका है। इतनी भयंकर, मतलब मैं कह रहा हूँ ऐसी स्मेल आपने कभी सूंघी नहीं होगी। सड़े हुए अंडे होते हैं ना, चूहा मर जाए घर में, सड़े हुए अंडे, इन सारी स्मेल्स को मिला के भी जो एक खतरनाक वाली गंदी स्मेल बनेगी ना, वो उस लेवल की एक स्मेल वहां पे विद इन 2 seconds इट वेंट फ्रॉम 0 to 1000, 100 भी नहीं, इतनी ज्यादा स्मेल आने लग गई कि मैं बोलते बोलते मैं ये वीडियो में है, मैं बोलते बोलते मैं मेरे को ऐसा होने लग गया कि मैं प्यूक कर दूंगा। तो आई वाज लाइक अबे चलो भाई यहाँ से, और ऐसा करके भागने को हो गया मैं, वहाँ उस हॉल से निकल गया। और इतनी देर में वहाँ पे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे को देख के थोड़े से और लोग भी आ गए। तो जैसे मैंने बोला अबे भाई बहुत ज़्यादा स्मेल होगी भागो, तो जो लोग अंदर को आ रहे थे उनको भी स्मेल आई होगी, तो वो भी चले गए। मैंने कहा यार अजीब बात है। अब रिकॉर्ड किया, 3-4-5 मिनट रिकॉर्ड करके मैं वापस उसी हॉल के पास आया। 3-4-5 मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ क्लासी भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 1 या 2 मिनट बाद मैं फिर से इसी हॉल के पास आ गया, और वहाँ पे अंदर अब लोग खड़े हुए हैं बहुत सारे। तो मैंने कहा यार यहाँ तो इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, ये लोग यहाँ खड़े कैसे हुए हैं। मैं अंदर गया, कोई स्मेल नहीं थी वहाँ पे, इतनी भी स्मेल नहीं थी वहाँ पे, लोग मस्त खड़े होकर फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ यार लेजिट 2 मिनट भी नहीं हुए अभी, जब मैं आया था इस कमरे में कोई स्मेल नहीं थी, फिर इतनी स्मेल हो गई कि वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ गया, और फिर उसके बाद अब 2 मिनट बाद स्मेल है ही नहीं, इतनी सी भी स्मेल नहीं आई। और फिर मैंने ना गूगल पे आके सर्च करा, और मैंने जब लोगों को ये बात बताई तो मेरे को किसी ने बताया कि अरे भूतों की एक प्रेजेंस का तरीका ये भी होता है, वहाँ पे बहुत गंदी स्मेल आने लग जाती है। मैंने गूगल पे, मैंने उस वीडियो में स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ है गूगल का, वेरी फाउल स्मेल करके। मेरे को ना वो चीज़ बहुत आज भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये करती है कि वो एक साइन था कि एक भूत का फोर्ट तो मैं हूँ ही यार।
भूतिया फोर्ट में तो मैं खड़ा ही हूं ना, मैं तो भूतियापंती तो होनी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरे सामने चीजें हिल रही है, पर एक ऐसी स्मेल आई जो आउट ऑफ नोवेयर आई और गायब हो गई भाई। तो होती है भाई भूतिया चीजें भी। ये तो उसमें है ना, कौन सी गेम है वो, घोस्ट स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज ही है ना वो, जो घोस्ट वॉचर्स, घोस्ट वॉचर्स। बट एक यही है, आप अगर भांगड़ फोर्ट कभी जाओगे ना, एक्चुअली में फोर्ट उसका कोई हॉन्टेड नहीं है यार, मतलब दिन में अलाउड है, शाम में तो वैसे ही आपको भगा देंगे वहां से, लेकिन आपको हॉन्टेड ऐसा लगेगा नहीं। अरे कुछ सारे लोग फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, गर्मी इतनी ज्यादा है, भूत भी मना करके बैठे हुए हैं कि भाई इतनी गर्मी में तो मैं भी नहीं आ रहा, लेकिन रात को जब आप फोटो बाहर से, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे कुछ तो एक्टिविटीज होती है शाम को, भूतिया बनती शुरू हो जाती है, तो आपको 6-6:30 के आसपास पूरा फोर्ट खाली कर देते हैं वो। 6:30 तो जैसे ही सनसेट होने लग जाएगा वो पेरीमीटर में भी उसके आसपास नहीं रहने देंगे, आपको पूरा निकाल देंगे वहां पे। लेकिन जब आप फोर्ट एंटर करते हो ना, लाइक मेन फोर्ट का जो पूरा एक वो एरिया है जो आगे गार्डन वगैरह है, जब आप दरवाजे से गेट से वो एंटर करते हो ना, वहीं पे बस वो ऑरा ही बहुत ज्यादा स्केरी है, वो असली स्केरी है, वो पूरा का पूरा एटमोसफेयर उस जगह का जो बन जाएगा ना वो डरावना है। और शाम के टाइम पे तो मैं बिल्कुल लेजिट उस वीडियो को बना के एंड में ही निकला था, सबसे लास्ट निकलने वाला मैं था, और सच बोल रहा हूँ फट रखी थी मेरी, कहीं ना कहीं डीप डाउन तो मेरी इतनी फट रखी थी कि भाई जगह जितनी दोपहर को ये डरावनी लग रही थी ना, अब उसके 100x कैरी हो चुकी है। दोपहर को कुछ नहीं था, दोपहर में मैं चिल मार के अकेला इधर उधर घूम रहा हूँ, कैमरा लेके खोपचों में भी जा रहा हूँ, वो हवा वाले खोपचे कोने वाले हर जगह अंधेरे में मैं गया। जैसे ही शाम हुई भाई उसके सामने गार्डन में खड़ा हुआ था मैं, वहाँ पे गायें वगैरह इधर घूम रही थी, वहाँ पे पूजा हो रही थी, इधर वो था कुआं था, एंड एक अलग ही व्यू आ रहा था सनसेट वाला, वो देख के पता नहीं एक अलग ही माहौल बन गया। मैंने कहा भागो भाई, घर चलो घर चलो। तो मैं भी वो शेयर करता हूँ एक्चुअल में क्या हुआ था, क्योंकि यार जो सपने रहते हैं ना, ये तो तुम मानोगे कि उसका कुछ ऐसा सर पैर नहीं रहता, वो बहुत ही इलॉजिकल चीज होती है, और जरूरी नहीं है कि ये बहुत रैंडम, क्योंकि यार सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है वो उसको जोड़ के वो बेसिकली वो चीज बनती है। तो जरूरी नहीं है कि एक पूरे सपने का भी आपस में कुछ कनेक्शन हो, जो जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनका भी आपस में जरूरी नहीं है कि कोई कनेक्शन हो, ठीक है। तो मैं वैसे ही कुछ हुआ था मेरे साथ, तो बेसिकली क्या था कि अचानक से ना, मतलब मैं अपने घर में ही हूँ, और मेरा घर क्या है ना रोड फेसिंग है, बेसिकली टॉप फ्लोर है एंड रोड फेसिंग है, तो और मेरे घर से एक पर्सपेक्टिव सा मतलब दिखता है पूरा, मतलब यहाँ से रोड जा रही है और वो आगे से जब कर्व ऐसा है कि बहुत दूर तक नज़र आता है बेसिकली। तो ऐसा था कि मैं घर में बैठा हूँ और ना अचानक से ऐसा मतलब बादल वादल आ गए हैं, पूरा मौसम ऐसा था बारिश वाला हो गया है, पूरा डार्क हो गया बाहर, ठीक है। तो पर बारिश नहीं हो रही है ना, और ऐसा ना एक आवाज़ सी गूंज रही है, जैसे कई लोग एक साथ ना ऐसे साउंड करते हैं ना, ऐसी साउंड करके नीचे से क्रॉस कर रहे हैं, मतलब ग्रुप ग्रुप में। तो मतलब मैं ऐसा घबरा सा गया कि यार ये कैसा, एक बड़ी वियर्ड सी साउंड है, और कुछ आवाज़ नहीं थी, मतलब लाइट भी चली गई और डार्क भी है, और ऐसी एक कॉन्स्टेंट साउंड आ रही है कि जैसे, और वो धीरे धीरे ना बढ़ रही है कि जैसे वो ग्रुप ऑफ पीपल पास आ रहे हैं। तो मैं मतलब बालकनी, मैंने कहा यार बालकनी में जाके देखता हूँ, मैं हिम्मत ही नहीं हुई, तो मैंने ऐसे पीप किया विंडो से, तो ना कुछ लोग ऐसे वो पकड़ के हाथ में लालटेन टाइप कुछ था वो, अब मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि ऐसे जा रहे थे, जिनका फेस जो है ना वो डॉग का था और बॉडी ह्यूमन की थी, मतलब डॉग भी नहीं था वो, क्या था मुझे नहीं पता, बट ऐसे नोकीला ऐसे होता ना, चोच सी निकल रही है, जीप सा ही कुछ था वो, और वो जा रहे हैं ऐसे। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब गड़बड़ सीन है, वापस चलते हैं, और मैं एक बार नीचे जाके, मतलब सपने में ही कर सकते हो तुम ये सब, रियल लाइफ में तो कुछ नहीं होने वाला और कोशिश भी नहीं करोगे। उस टाइम मेरे दिमाग में है कि यार मैं मतलब नीचे जाऊं और अपने फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ शेयर करूं और उनको बताऊं भाई क्या है, और हम लोग देखें भाई क्या चल क्या रहा है, हो क्या रहा है अचानक से। तो मैं नीचे जाता हूं तो देखता हूं कि कोई नहीं है, सब ऐसा पूरा सुनसान सा पड़ा हुआ है, और जो हमारे गार्ड भैया है ना गेट पे, वो भी ऐसा डोर बंद करके वहीं बैठे हुए हैं, और वो मना कर रहे हैं मेरे को कि बाहर मत जा, तू इधर ही रुक, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं यार
मतलब मेरे को जाके देखना है कि चल क्या रहा है, ऐसा तो हुआ नहीं कभी आज तक यहाँ पे। तो वो मेरे को मना कर रहे हैं कि तू बाहर मत जा, अभी ठीक नहीं, अभी सेफ नहीं है, अंदर ही रुक। तो मतलब और उसके बाद भी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ था, बट फिर मैं मतलब उठ गया था तो सपना तो वहीं एंड हो गया, बट क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया उसके बाद। ये चीज़ कहाँ से पॉप अप हुई, ऐसा कभी हुआ भी नहीं है, तो ये तो सपना था। और रियल इंसिडेंट बताऊँ तो रियल में मैं नीमराना करके एक जगह है, बेसिकली एक फोर्ट है, तो वहाँ पे वो लोग स्टे कराते हैं टूरिस्ट को, तो एक वो एक्सपीरियंस रहता है आपको कि आप वो फोर्ट में यू नो विजिट करके आप वहाँ रह रहे हो। जनरली हम फोर्ट विजिट करते हैं तो कितनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए जाते हैं, क्लिक करते हैं पिक्चर्स, फिर वापस आ जाते हैं। बट वो जो होटल्स एंड रिजॉर्ट्स हैं वो क्या करते हैं, ऐसे उनकी बेसिकली फ्रेंचाइजीज है इंडिया में, अलग अलग फोर्ट्स में स्टे कराते हैं। तो हम लोग गए थे, मैं अपनी फैमिली के साथ गया था वहाँ पे स्टे करने के लिए, तो एक ही दिन का था स्टे तो, बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने ना हमें सबसे ऊपर वाला जो उनका मतलब लेवल्स थे बेसिकली, तो सबसे ऊपर वाला स्वीट दिया था, अपग्रेड कर दिया था। तो हम लोग वहाँ से, और वहाँ से क्या व्यू था कि क्योंकि वो फोर्ट था और ना एक पहाड़ी पे था, तो आसपास के सारे जो लैंड्स थे ना वो ऐसे मतलब बैरन लैंड्स थे, और कोई सिर्फ रोड्स थी और खेत से थे, मतलब ऐसा कुछ था नहीं आसपास ज़्यादा लोगों की, कोई ऐसा बस्ती वस्ती कुछ थी नहीं। उसी पहाड़ी के जस्ट पैरेलल एक और पहाड़ी थी जो बिल्कुल सुनसान थी, वहाँ पे कोई इन्होंने वहाँ पे कोई डेवलपमेंट ही नहीं थी, मतलब वो किसी ऐसा लग रहा था अनटच्ड है, बस वही फूल पत्ती उग रखे थे, और उसी सेम उससे भी थोड़ी बड़ी हाइट की समझ लो वो पहाड़ी थी। तो मतलब मैं हम लोग दोपहर के टाइम तो सब सही था, फिर रात को जब सब सो गए तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैं बार ऐसा परेशान सा हो रहा था कि यार, क्योंकि यार ये तो फैक्ट है भाई, नींद अपने बेड में ही आती है, बाहर जाके मेरे को तो बहुत रेयर ही होता है कभी नींद आए। तो मैं ऐसे ही घूमने लगा, इधर उधर टहलने लगा कि यार थोड़ा सा वॉक करता हूँ फिर जाके लेट जाऊँगा। तो वॉक करते करते मैं बाहर आ गया, तो वो फोर्ट था, और फोर्ट में क्या होता है कि उन्होंने ऐसे लैंप्स लगा रखे, क्योंकि लाइटिंग तो ऐसे करेंगे नहीं, वो फील देने के लिए कि फोर्ट है और यू नो पूरा, तो लैंप्स लगा रखे हैं, और वो भी थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी है, और आसपास तो कुछ है नहीं, तो मैंने बताया कि आसपास कुछ था नहीं। तो मैं उसके पूरे ऐसा बहुत बड़ा सा ऐसा एक वरांडा सा था, तो उसमें मैं वॉक कर रहा हूँ, और मेरा कांस्टेंट ध्यान ना, क्योंकि एक तरफ तो पूरी देख रहे हो तो लाइटिंग है क्योंकि सिटी नज़र आ रही है दूर, एक तरफ ये पहाड़ी है जो पूरी डार्क है, कुछ है ही नहीं क्योंकि वहाँ पे। तो मैं कॉन्स्टेंटली ना ऐसा देख रहा था कि यार अच्छा मतलब वो नज़ारा था, और मूनलाइट भी आ रही है उसके ऊपर ऐसे गिर रही है मूनलाइट पूरा, तो अच्छा अच्छा नज़ारा दिख रहा था। तो मैं देख रहा हूँ यार, ऐसा मुझे लगा कि जैसे ना उसके ऊपर कोई बंदा ऐसे ना कुछ खुदाई कर रहा है क्लियर, मतलब क्योंकि वो डिस्टेंस था थोड़ा, तो ऐसे नज़र नहीं आ रहा था सही से कि एक्चुअल में वो क्या रहा है, बट ऐसा लग रहा था कि खुदाई कर रहा। तो मैं काफ़ी देर तक ऐसे स्टेयर करता रहा कि यार क्या मतलब वो एक्चुअल में कोई बंदा है, या मुझे लग रहा है हो सकता है कोई पेड़ हो या कुछ कुछ और हो, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट मैं कॉन्स्टेंटली ऐसे मूव कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे डिग कर रहा है। मैं काफ़ी देर तक देखता रहा, बट फिर मेरे को मेरी फिर वही हालत ख़राब होने लगी, मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो मैं बस आके वापस रूम में आ गया और सो गया। पर वो चीज़ ऐसे दिमाग में ना कॉन्स्टेंटली आ रही थी। फिर मैं सुबह सुबह हमारा चेकआउट था बेसिकली, तो मैं वही रास्ते में भी मैंने वो बात किसी से डिस्कस नहीं करी, घर आके मैंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा मुझे लगा रात को, तो ऑब्वियसली मजाक ही उड़ा मेरा बट थोड़ा सा वो टेरिफाइड मैं हो गया था वो टाइम पे, क्योंकि मैं अकेला था और सब एक्चुअल में कोई था ही नहीं, मुझे लगा कि यार कोई तो रात को घूम रहा होगा, फोर्ट है भाई इतने सारे रूम्स हैं, पर कोई था ही नहीं उस टाइम पे, तो वो एक थोड़ा सा था जो दैट वाज हॉरर स्टोरी टाइम विद टीम वाइटैलिटी इंडिया। काफी डरा दिया आज। आई होप यू गाइस एंजॉयड, इफ यू गाइस एंजॉयड लाइक द वीडियो फॉर मोर। और कोई कुछ बोलना चाहता है? Thanks for watching, guys. Bye bye.